एक छोटी 25 गज की बिल्डिंग है थी मतलब, और कह रहे हैं वो 5 या 6 मंजिल बनी हुई थी, और उसके अंदर हो सकता है कुछ कंस्ट्रक्शन बताया गया, कुछ लोगों ने मुझे बताया अभी कि थोड़ा बहुत वो ऑल्ट्रेशन या कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, तो पूरी की पूरी बिल्डिंग साइड में गिर गई है। उस बिल्डिंग के गिरने की वजह से 4 लोगों की डेथ हुई है और 8 लोग घायल हुए थे, जिसमें से 3 लोग DDU अस्पताल में और अभी 4 लोग इसमें हैं अपने गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल्स में हैं। एक की छुट्टी कर दी गई, 2 लोगों की छुट्टी अभी करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि जो इस तरह की बिल्डिंग है, अनसेफ बिल्डिंग्स हैं, इस तरह की बिल्डिंग्स के अंदर कंस्ट्रक्शन को करने देना, अलाउ करना बिल्कुल ही गलत है। सरकार आदेश दे रही है कि जांच के, मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे रहे हैं, तो यहाँ के DM साहब इसकी जांच करेंगे और 7 दिन के अंदर जांच करके रिपोर्ट दी जाएगी, और जिन लोगों की भी इसमें कल्पेबिलिटी पाई जाएगी उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो MCD की पूरी जिम्मेदारी बनती है उसको रोकने की, और MCD को रोकना चाहिए था। हमने जाँच के आदेश दिए हैं, जाँच में जो पता लगे जो भी इसमें कल्प्रेट होंगे उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। दिल्ली, पूरी दिल्ली को ना अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन का जाल बना दिया है, और पैसे लेकर कंस्ट्रक्शन कराई जा रही है, जिसके लिए मतलब हालात ख़राब कर चुके हैं बिल्कुल। और पूरी दिल्ली में देखिए आप, 6-6 मंजिल बिल्डिंग बन रही हैं, लोगों को पता नहीं है, अपनी जान पे खेल रहे हैं, और बिल्डिंग जितनी अंदर है उससे ज़्यादा उसको बाहर निकाल देते हैं, छज्जे बना देते हैं, 8-10 फुट की बिल्डिंग है और 6 फुट बाहर निकाल दिया। इसमें भी क्या था कि बिल्डिंग 2 साइड गलियाँ थी, दोनों साइड में 6-6 फुट के छज्जे निकाले हुए थे। अभी देखिएगा लेंटर ऊपर पड़ा हुआ है, तो देख के पता लगता है कि बिल्डिंग को बिल्कुल अनसेफ तरीके से बनाया गया था, और इसके अंदर जिन भी लोगों की कन्वाइंस है उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, और मैं सरकार इसके लिए कुछ ना कुछ तरीका निकालेंगे।